गाइस मंजिल दूर है, जाना जरूर है। मलेनाथ स्वामी की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह 7 बजे से। तो जैसे कि आज है महाशिवरात्रि, तो सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि के लिए सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि आज है महाशिवरात्रि, तो आज महाशिवरात्रि के इस दिन हम लोग जा रहे हैं सिराकोट, जो कि हमारे ईस्ट देव मलेनाथ स्वामी जी का मंदिर है, जो कि डीडीहाट में है। और तो मंदिर जाने से पहले झाड़ू पूछा और नहा लेते हैं, उसके बाद तो अपने गांव में जो भी दो मंदिर हमारे गांव में भी, एक तो शिवालय खेतों के बीच में और एक ऊपर पे है हम गांव का ही मलेनाथ स्वामी जी का मंदिर, तो पहले यहां पूजा करके आते हैं, उसके बाद तैयार होके जाएंगे सिराकोट। तो गाइस अब अंदर तो दिया जला दिया है, अब चलते हैं नीचे दीपाल में, भैया और मैं जा रहे हैं वहाँ पे दिया जलाने। और अभी शाम को वहाँ प्रसाद बनेगा, तो वहाँ के लिए हम सिभाग भी लेके जा रहे हैं। तो गाइस ये है सिभाग और ये है हमारी पूजा की थाली। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं दीपाल में। तो यहाँ पे हो रहा है सिभाग जमा, ये तो नहीं ऐसी बाग रखने वाले। गाइज़ हम लोग नेपाल से आ गए हैं और तैयार होकर अब जा रहे हैं सिराकोट। तो ऊपर पे मंदिर भी है, यहाँ पे भी दिया जलाते हुए चलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे पापा, भैया, मैं और ये है मिताड़ी, हम चारों जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो दिया बाती कर दी है, अब चलते हैं सीधे सिराकोट। तो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं रोड में और डेली की जैसे वही समस्या कि मतलब डीडीहाट के लिए गाड़ी नहीं मिलती है, अभी भी गाड़ी नहीं मिल रही हम लोगों को, क्योंकि आज वैसे भी सिराकोट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। आज वैसे भी मेला होता है सिराकोट में, एक शिवरात्रि में मेला होता है और एक मेला होता है नवरात्रि के टाइम पे, टोटल दो मेले लगते हैं सिराकोट में। आज आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ भी वहीं होंगी, डीडीहाट ही चले गए होंगे लोग, सुबह चले जाते हैं 6-7 बजे तक का, वहाँ आरती देख के नीचे भी आ जाते हैं, हम ही लोग बहुत लेट हो रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं एक गाड़ी आ रही है, वो भी पूरी फुल आ रही है वहीं से, तो आज के दिन ऐसा ही होता है, पूरी गाड़ी हमेशा फुल ही आती है। तो गाइस तब तक का गाड़ी का वेट करते हैं, तो मिलते हैं आपसे गाड़ी मिलने के बाद। तो गाइस यहाँ पे अंकल की गाड़ी आ रही थी, तो अंकल मिल गए, अब चलते हैं हम अंकल की गाड़ी में। तो ये है अंकल की गाड़ी बुलेरो, अब इसमें चलते हैं। तो गाइज़ हमारी डेस्टिनेशन ये है इतने दूर, अब यहाँ तक हमें चल के जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सिराकोट के मेन गेट के यहाँ पे, तो ये है फर्स्ट गेट और यहीं से स्टार्ट हो जाता है रास्ता। जय मलेनाथ स्वामी, वो है सिराकोट। हम लोग पहुँच चुके हैं गेट सेकंड में, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो
गाइज यहाँ से 600 या फिर 650 सीढ़ियाँ टोटल, तो सीढ़ियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। गाइज मंजिल दूर है, जाना जरूर है। मलेनाथ स्वामी की जय। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है छोटा सा मंदिर, बाकी बाबा लोग बैठे हैं यहाँ पे। गाइज यहाँ पे हमने टोटल 170 सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, अभी और बाकी है। तो गाइज यहाँ से दिखता है पूरा डीडी घाट। ये रहा डीडी घाट का व्यू, थोड़ी धुंध है इस वजह से आज भी अच्छे से साफ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे है भैरव जी का मंदिर और ये है माँ काली का मंदिर। पीछे पे लगा है भंडारा शिवरात्रि का, देख सकते हैं। ये है सिराकोट की हिस्ट्री, अगर किसी को पढ़नी है तो वीडियो पॉज कर। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में, यहाँ से गेट स्टार्ट हो गया मंदिर का। देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ। तो मंदिर से पंचाचुली का व्यू भी साफ दिखता है, थोड़ी ये धूम की वजह से ये भी साफ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम आ चुके हैं मंदिर से वापस। तो गाइस नीचे जाने में तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर थोड़ा ऊपर आने में चढ़ाई लगती है, बस इतना ही है यहाँ। बाकी दर्शन पूरे हो चुके हैं मलेनाथ स्वामी जी के, अब चलते हैं सीधे घर। तो गाइस अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर। तो गाइस अब हो चुका है खाना बनाने का टाइम, तो खाना बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पे खाना बन चुका है, तो ये है आलू के गुटके और आलू के गुटके के साथ है भांग की चटनी और बना रही है पूरियाँ और मीठे में है गाजर का हलवा और ये है गीठे और तौड़े। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है हमारा डिनर, तो इसी के साथ ही वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए।